अस्सलामुअलैकुम जी ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद है कि आपसे दोस्त खैरियत से होंगे। तो दूसरे एपिसोड में आज जिक्र करेंगे अश्विन भाई के साथ कि ट्रेनिंग के बारे में कोशिश थी कि ट्रेनिंग के बारे में चीज़ें जो है वो थोड़ी सी आगे लेके चलें और ट्रेनिंग के बारे से थोड़े से सवाल करेंगे। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे और पर्सनली मुझे मैसेजेस भी आ रहे थे कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर जानवर जो है ज़्यादा फोकस करता है, कौन सी ऐसी ट्रीट है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। तो अश्विन भाई से मज़ीद बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, काफ़ी सारे लोगों को आपको भी मैसेज आए होंगे, मुझे भी मैसेज आए। बिल्कुल बिल्कुल सर, कि आप जो है वो पपी को ट्रेनिंग स्टार्ट कैसे करवाते हैं, कौन सी चीज़ ऐसी है जो ये शौक से खाते हैं, फोकस अपना सही करते हैं ऐसे ही पर, और हम स्पेशली इनको कंट्रोल, क्योंकि पपीज जो हैं वो कंट्रोल नहीं होते हैं। पपीज को कंट्रोल करना मेन चीज़ होती है। जब इस एज में 3 से 4 मंथ्स का जिस टाइम पपी होता है, तो इस एज में जो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं वो शायद बड़ा हो के नहीं होता। ऐसे ही ठीक है। तो उनके लिए मैं चंद टिप्स देता हूँ, ठीक है, जो कि आप गौर से सुने। किसी भी ब्रीड का कोई भी पपी है आपके पास, चाहे जर्मन शेपर्ड है, जैसे कि अभी मेरे पास बेल्जियन मेलेनाइज है, ठीक है, तो आपने सिर्फ ये देखना है कि आपका पपी कौन सी चीज़ शौक से खा रहा है ज़्यादा। ठीक है जी, कुछ ऐसे होते हैं जो बिस्किट शौक से खाते हैं, कोई चिकन शौक से खाते हैं, कोई बीफ शौक से खाते हैं। तो जो चीज़ वो शौक से खाता है उस चीज़ के ऊपर आपने उसको ट्रेनिंग करवानी है, ठीक है जी, और वक्फे वक्फे से आपने उसको ट्रीट देनी है। जैसे कि मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। अभी तुम सिट, यस स्टे, कम सिट स्टे। अभी इसको हम जैसे वक्फे वक्फे से दे रहे हैं, ये मजीद वेट करेगा नई ट्रीट का। दूसरी ट्रीट कब मिलेगी? कब? अभी सिट, यस डाउन, यस वेरी गुड। तो इसी तरीके से यस, आप वक्फे वक्फे से इसको देंगे तो ये कंट्रोल में रहेगा, ठीक है। और स्टे पे जो है वो मेन, पपी की जब ट्रेनिंग होती है तो मेन चीज यही होती है कि वो स्टे करे, ऑब्वियसली बात है, आराम सुकून से बैठा रहे। तो उसका यही तरीका है कि आप उसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद कोई ना कोई चीज़ जो भी शौक से खाता है वो आप ऐसे देते रहें। अच्छा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ज़्यादातर इसका मीठे के ऊपर भी जल्दी आ जाते हैं। मैं ये कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप मीठा, जो चीज़ शौक से खाएं। अब कुछ डॉग्स जो हैं वो चिकन बहुत शौक से खाते हैं, ठीक है जी, मीठे में थोड़ा सा खा के शायद छोड़ दें उसको, ठीक है, तो वो चिकन को ज़्यादा फॉलो करेंगे। कोई बीफ को ज़्यादा खाते हैं, कोई जो बिस्किट बहुत शौक से खाते हैं वो शायद चिकन को शौक से ना खाते हों। तो ये आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाने के बाद ही पता चलेगा कि क्या चीज़ ऐसी है जो शौक से खाता है। अच्छा, बिस्कुट की इन्होंने बात की है, तो बिस्कुट में कुछ लोग जो हैं वो मतलब खुद खा रहे होते हैं, लाइक रियो ले लें या कोई भी ले लें, कोई मैं ब्रांड नहीं मेंशन करना चाहूँगा, लेकिन कोई भी चॉकलेट वाला बिस्कुट या क्रीम वाला बिस्कुट वो भी दे देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन जहाँ तक मैंने देखा, चीज़ें देखी हैं जानवरों की, और चॉकलेट और क्रीम जो है वो इनके स्टोमिक को और इनके डाइजेस्टिव सिस्टम को बेसिकली स्लो कर देती हैं, डाइजेशन जिनकी स्लो हो जाती है। नहीं, वो चीज़ें तो मैं नहीं यूज़ करता और ना मेरा उसके ऊपर इतना ज़्यादा वो है एक्सपीरियंस, वो डॉक्टर ही बेहतर बता सकते हैं कि इसका क्या साइड इफेक्ट है या फ़ायदा है या क्या है। बाकी ट्रेनिंग के हवाले से ये बताता हूँ कि जो जिस चीज़ पे ये फोकस अपना अच्छा करते हैं, जो चीज़ बहुत शौक से खाते हैं, वो वक्फे वक्फे से आप देते जाएं, और इनके एंगल जो हैं, जिस तरह सिट का है, डाउन का है, स्टे का है, कम का है, आप लेफ्ट साइड पे चलाते हैं हील के लिए उसका है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप ट्रीट के ज़रिए ट्रेन कर सकते हैं। और साथ में आप प्रैक्टिस करवा सकते हैं बॉल की, वो भी आपको मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊँगा कि बॉल के साथ कैसे फिर ट्रीट से हटा के हम बॉल पर ट्रेन करते हैं या किसी टग पर ट्रेन करते हैं, ताकि वो हमेशा ट्रीट के साथ ही ना चले, बॉल के साथ भी कमांड जो है वो माने। अब हमारा डॉग एक मिसाल के तौर पे वो 2 साल का हो गया और अभी तक वो ट्रीट पे बात मान रहा है, तो उसका फ़ायदा नहीं है, ठीक है, ट्रीट के ऊपर ही है। हाँ, तो पपी को आप ट्रीट के साथ ट्रेन करते हैं पहले, फिर आप उसको ट्रांसफ़र करते हैं बॉल पे, वही कमांड्स जो हमने ट्रीट पे दी हैं वही कमांड्स हम उस पर टग पे देते हैं, बॉल पे देते हैं। हाँ, बहुत ज़बरदस्त बात की इन्होंने। और अश्विन भाई, नेक्स्ट सेशन किस चीज़ के ऊपर आएगा, थोड़ा सा बताते चलें। हाँ, नेक्स्ट सेशन जो है हम करेंगे जी किसी टग पे, ठीक है जी, या बॉल पे, कि वो कैसे उसको, उसकी ड्राइव कैसे बनानी है उस पर, ठीक
ठीक है, और कितनी देर तक आपने उसको ट्रेन करना है जिसमें वो खुशी खुशी वो ट्रेनिंग करे भी और सीखे भी। मोस्टली ऐसा होता है कि लोग बहुत ज़्यादा देर तक वो लगे रहते हैं ट्रेनिंग करवाते रहते हैं, तो डॉग्स उस चीज़ से थोड़ा सा उकता जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर बीच में इतना सारा वक्फा रखा जाए कि जितनी देर वो खुशी से खेल रहे उतनी देर खिलाया जाए, फिर उसको गैप दे के अगले दिन या शाम के टाइम करवा ली जाए, तो उस तरीके से बेहतर रहता है। बाकी ये आपको मैं दिखाता हूँ कि ड्राइव इसकी चेक करें, ट्रीट के ऊपर ये कितनी है, किस तरीके से ये चल रहा है। हालांकि ये थोड़ा थोड़ा खा रहा है लेकिन ये आपके साथ कैसे चल रहा है। बॉय गुड बॉय, वेरी गुड। अच्छा, तकरीबन कितनी की देर लग जाती है एक पपी को जो है बेसिक ट्रेनिंग देने में? देखें, जो मेरा अपना स्टाइल है जिस पॉजिटिव वे में जिस तरह हम ट्रेनिंग करवाते हैं, इसमें तो डॉग्स की ब्लड लाइन पे डिपेंड करता है। वो जितनी अच्छी ब्लड लाइन का होगा उतना जल्दी उतनी हाई ड्राइव अपनी बनाएगा और फास्ट ट्रेनिंग सीखेगा। जो थोड़े से लेज़ी होते हैं, इंटरेस्टेड नहीं होते, उनको जैसे जैसे हम ट्रेन करते जाते हैं वैसे वैसे वो चलते रहते हैं, फिर अच्छे हो जाते हैं बाद में। कुछ थोड़ा टाइम ज़्यादा ले जाते हैं कुछ। अच्छा, मुझे ये भी बता दे चलें कि जैसे अभी ये बार्क कर रहा है तो ये अपनी जगह को डिफेंड करने के लिए कर रहा है, खेलने के लिए कर रहा है, या किस चीज़ के लिए कर रहा है? वैसे लोगों को समझ नहीं आता। यस, ये चूंकि भाई लोग जा रहे हैं। हाँ, अभी हमारा जो ये एरिया है गुड बॉय, इसमें ये बाहर अननोन पर्सन है सारे, ऐसे ही है। ठीक है, हमने इसको ऐसे माहौल दिया हुआ है कि ये कम से कम दूसरे लोगों के साथ अगर वो अंदर आ जाएं तो उसके साथ खेल भी सकते हैं। इसकी जगह हमारा बड़ा डॉग है, उसके साथ भी वो बैठ सकते हैं, खेल सकते हैं। ठीक है, हमने उसको ट्रेन ऐसे किया हुआ है। लेकिन हम अब ब्रीड ऐसी है कि इसको हम वो नहीं बना सकते हैं खेलने वाला कि हर बंदे के साथ खेलना शुरू हो जाए। ये प्रोटेक्शन में भी काम करते हैं, ठीक है, अपने प्राय को पहचानते हैं बाकायदा, और ये चीज़ डॉग के अंदर होनी चाहिए। और बेल्जियन मलिनाइज के अंदर तो वैसे भी आपको पता है कि हाई ड्राइव डॉग्स हैं, वर्किंग लाइन डॉग्स हैं, तो इनको इनको ऐसा होना चाहिए वैसे भी। ज़बरदस्त जी, माशाल्लाह बहुत अच्छी कन्वर्सेशन की है। और ये तो अभी स्टार्टअप है और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि बेल्जियन मलिनाइज के थ्रू आपको जितना भी ट्रेन किया जा सके, बेसिक ऑबिडेंस ट्रेनिंग दी जा सके, जितनी भी ट्रेनिंग के पार्ट है आपको हाउ ना देना चाहिए। एक प्रोफेशनल ट्रेनर तो नहीं आप इन चीज़ों से बन सकते, ऑब्वियसली बात है, उसके लिए सालों की प्रैक्टिस चाहिए आपको। आज भाई थोड़ा सा बताते चले कितने साल की प्रैक्टिस है आपकी? तकरीबन तकरीबन 17 साल हो चुके हैं। और मैं तकरीबन 2004-05 से मैं इस फील्ड में, मेरा शौक भी है और ये समझ लें कि प्रोफेशन भी है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बात है। अच्छा, और बहुत सारे दोस्त हैं लाइक उनको ट्रेनिंग का होता है कि जी मैंने अपनी डॉग को ट्रेन करवाना है, ये मैं मेंशन करना चाहूँगा क्योंकि लास्ट आपकी वीडियो के ऊपर बहुत सारी कमेंट और मुझे कॉल्स आई हैं। ट्रेन तो वो करवाना चाह रहे होते हैं लेकिन बेसिकली वो इतना एक्सपेंस नहीं उठा पाते हैं। तो मैं उनके अक्सर यही कहता हूँ कि अगर आपने जानवर लिया है ना तो उसको अगर ट्रेन करने का आप रखते हैं तो एक अच्छा प्रोफेशनल ट्रेनर हायर करने के लिए आपका बजट भी होना चाहिए। ये नहीं है कि आप चाहें कि 5-10 हज़ार में कोई जानवर ट्रेन हो जाए, ऐसे नहीं होता बेसिकली। और देखें, जितना आपका ट्रेनिंग करवानी है आपने जानवर को, जिस लेवल की ट्रेनिंग करवानी है, जाहिर सी बात है पंजाबी के मुहावला, जितना गुड़ पाऊंगे उतना मीठा होएगा। तो उस लिहाज से आप जितनी अच्छी ट्रेनिंग चाहेंगे, अजमल भाई हाजिर है, मैं इनका कमेंट बॉक्स में नंबर दे देता हूँ या मेरा मेंशन होता है, आप यहाँ से उठा सकते हैं, इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इनसे फर्दर इनबॉक्स में डिटेल जो है वो जान सकते हैं। बाकी फर्दर जो है डिटेल चलती रहेगी। आपको एक आपकी एक जो पुरानी वीडियो बनी है एक साल पहले, उसमें मैंने बताया था कि अगर कोई मुझसे ट्रेनिंग, उसको ज़रा एक्सपेंसिव महसूस हो रहा है कि बहुत महंगे हैं क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ इस हिसाब से, तो उसमें मैंने ऑप्शन ये दी थी कि मैं सेशन देता हूँ जी। ठीक है जी, आप खुद ट्रेन करें, ठीक है, उसमें फ़ीस भी नॉर्मल होती है। ठीक है, मैंने सिर्फ उसकी जो शेप है उसकी ड्राइव बनानी होती है, ट्रेनिंग आपने करनी होती है। ठीक है जी, एक दफ़ा मैं आता हूँ, 10 दिन की प्रैक्टिस बता के जाऊँगा और 10 दिन आपने उसको फॉलो करना है। मेरे ख्याल में जो जिस तरह हम ओबीडियंस की ट्रेनिंग करवाते हैं बहुत जल्दी 3-4 सेशन में आप सीख सकते हैं ईजीली, वो मुनासिब भी पड़ेगा और आपका डॉग आपके साथ अटैच भी ज़्यादा होगा और ट्रेनिंग की समझ भी आ जाएगी, नेक्स्ट टाइम आप अपने नए डॉग को खुद ट्रेन कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी ऑप्शन इन्होंने रखी, वैसे कुछ दूसरे रखे नहीं अभी तक मैंने सुने नहीं है। मैंने वीडियो में बताया था, शायद आपको याद ना रहा हो। नहीं, मुझे याद है, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि आप मतलब इस चीज़ के ऊपर भी जो है वो फोकस कर रहे हैं। और हमारा एक दूसरा शो आने वाला था, वो कब तक की अपडेट है उस शो के बारे में? अभी थोड़ा सा डिले है,
क्योंकि अब चीज़ें प्रोग्रेस में हैं, हाँ, तो वो कुछ चीज़ें हैं अभी रहती हैं उसमें, तो इंशाल्लाह करेंगे इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। तो जी ये थी आज की वीडियो, कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन जो है वो ज़रूर कीजिएगा, जो भी क्वेश्चन के रिलेटेड हो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उस चीज़ के ऊपर जो है वीडियो बनाई जाए, मैंशन की जाए। तो अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफिज़।